شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين वरा आ रही वबी व मंतब्याम बहसान इलाम्दीन अम्माबाद अल्लाह तारा का फजल व करब हैं कि हदीफ़ जबरील की शर हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत सारी बातें हमारे सामने थी उन्हीं में से कुछ बातें आज की इस दर्स में हम सुनेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं इस बात की गवाही हम सभी देते हैं अशद महमदर रसूल्ला तो इस बात का तकाजा क्या है इस गवाही के देने का मतलब क्या है शायद बहुत कम लोग ही समझते होंगे जबान से हम कह देते हैं अरदुअन्ना महम्मद अर रसूल्ला लेकिन उसके क्या तकावे हैं उसको भी जानना ज़रूरी है जिसमें बहुत सारे लोग गफलत का शिकार हैं तो ऐसे इसमें हमने ज़रूरी समझा कि इस सिलसिले में बहुत उम्दा बात शेख इबिन रही ने अरबाइन नविया की शर जब आपने की तो बहुत सारी बातें शेख ने इस सिलसिले में फरमाई के अशद उन महम्मदर रसूल्ला के तकादे क्या हैं तो इस मौके पर उसकी तलखीस हम सुन लेते हैं तलखीस का मतलब खुलासा इसके तकादे डिमांड क्या होते हैं उसके तकादे तो जब हम जबान से कहते हैं महम्मदर रसोल्ला तो इसके बहुत सारी बातों से इसका ताल्लुक जुड़ जाता है एक एक चीज़ हम लोग आपके सामने रखेंगे सबसे पहली चीज जब आप और हम ये कहते हैं कि मोहम्मद तो हम समझें कि जो भी हुक्म अल्लाह के नबी नबीम दे रहे हैं जिस काम को करने का हुक्म दे रहे हैं जिस काम से मना कर रहे हैं ये सारी खबरें जो हम तक पहुँचती हैं सब के सब सच्ची हैं इसलिए कि आप सदक मसदूक हैं यकीन होना चाहिए बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी छोटी सी अक्ल में अल्लाह के नबी की बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने इनकार ही कर दिया मुनकर हदीत हो गए बोला कि नहीं नहीं हमारे समझ में आती नहीं समझ में नहीं आए तो समझ का ऐलान इलाज किया जाए इसे मेंटल हॉस्पिटल में दाखिला लिया जाए इससे बेहतर है कि आदमी हदीस को ठुकरा दे कितनी हदीसें ऐसी हैं जिनको ऐसे कम अक्ल अनपढ़ जाहिल लोगों ने इनकार कर दिया कि ये हमारे समझ से बाहर है तो आदमी को अपनी नजर अपनी तरफ नज़र करनी चाहिए इससे बेहतर कि आदमी हदीस का इनकार ही कर दे तो इसीलिए कहते हैं कि आदमी इसमें शक भी ना करे कि शायद ऐसा ना होता हो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के नबी वसल्लम ने बशारतें सुनाई कि फुला आदमी को ये मिलेगा फुला आदमी को ये मिलेगा और जहन्नम ऐसी है सारी बातों पर आपका मेरा यक़ीन हो उसकी तस्दीक करना फ़र्ज़ है उसकी तोीह समझ में आए कि ना आए लेकिन तस्दीक जरूरी है पहली बात पहली बात क्या अल्लाह के नबी वसल्लम ने जो कुछ बताया है जिन बातों का हुक्म दिया है जिन बातों के करने का हुक्म दिया है जिन बातों से रोका है उन बातों को सच्चा जाना जाए और उसकी तस्दीक की जाए भले हमारी अकल उसे माने के ना माने ठीक है एक दूसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातें हम सुनते हैं उसे बजा लाने के लिए सुने इतबा और इताल के लिए सुने बग़ैर शक और तरद के उस पर क़ायम रहें अल्लाह के नबी वसल्लम से जो बातें भी हम सुनते हैं आमल के लिए सुने उसको बजा लाने के लिए सुने उसे काम करने के लिए सुने जैसे अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم يعني كسي مؤمن مرد یا عورت کے هيك لائق نهي هي الله اور رسول کا كوي صادر ہو جائے تو وہ अपनी पसंद लिए बैठे रहे उस मामले में अल्लाह और उसके रसूल का फैसला अलग है आपकी पसंद अलग है तो आदमी अपनी पसंद से चिमटा रहे अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को ना माने यह गलत है यह गलत है अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को ना माने यह गलत है आदमी अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को मान लेना चाहिए और अपनी पसंद को छोड़ देना चाहिए तो इसीलिए शेख ने यहाँ लिखा है शेख नहम्ला ने यह भी गलत है क्या गलत है कि आदमी यह भी गलत है कि अल्लाह के नबी सल्लम का कोई हुक्म सुना जाए तो आदमी पूछे कि यह वाजिब है या मुस्तहब है यह भी गलत है आदमी अगर किसी आदमी से हम कहें कि भाई दाढ़ी रखना है तो आदमी कहे कि वाजिब है कि सुन्नत है कि मुस्तहब है अल्लाह के नबी ने दाढ़ी रखा है आप दाँडी रखें तो इसीलिए शेख लिखते हैं क्या कभी किसी सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म को सुनकर यह सवाल अल्लाह के नबी से किया अल्लाह के नबी आप जो हुक्म दे रहे हैं ये वाजिब है सुन्नत है मुस्तह है ऐसा किसी सहाबी ने पूछा वो हमारा दिल है हमारी जुरात है हमारी हिम्मत है कि हम लोग ऐसा पूछ लेते हैं हर हर सवाल पर जो भी हुक्म आता है पौरन मुफ्ती साहब से शेख साहब से कहेंगे करना की नहीं करना की वाजिब की मुस्तहब की सुबह अल्लाह ऐसा तो नहीं चलेगा तो होना यह चाहिए कि जो भी फरमान अल्लाह के नबी का हम सुनते हैं उसे हक समझें उसकी तस्दीक करें और उसे बजा लाने उसे अमल उस पर अमल करने के लिए मुस्तैद रहें तैयार रहें हमेशा तैयार रहें कि यह काम मुझे करना है ये काम मुझे करना है तो तो सारे लोगों के लिए यही दावत है कि अल्लाह के नबी वसल्लम की गवाही जब हमने ऐसी दी जब भी कोई हदीस अल्लाह के नबी वसल्लम आप के आपके पास पहुंचे तो ये सवाल मत कीजिए कि ये वाजिब है मुस्तहब है या हमारे इमाम साहब के कौल के मुआफ़ है के मुखालिफ है हम जिस फिक पर चल रहे हैं फिक जो भी फ़ि होम अरबा के फिक के मुनासब है कि नहीं अलग में जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर ऐसा हम सोचेंगे तो नबी पर ईमान लाने का मतलब क्या है या ऐसा भी सोचना गलत है कि हाँ ठीक है अल्लाह के नबीसम की हदीत है हमारे रस्म व रिवाज के बराबर है कि मुखालिफ है कि ऐसा भी लोग बोलते हदीस रंगी लेकिन कैसी हदीस रहना हो हमारे रस्म व रिवाज के मुआफिक रहना हमारे रस्म व रिवाज के मुआफिक गई तो हमें मानेंगे नहीं तो फिर कौन सा ईमान आप लाए हैं कहाँ से आपका ईमान निकला है ये तो यहाँ का ईमान हुआ मदीने का तो ईमान नहीं हुआ मदीने वाले पर आपने ईमान नहीं लाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की सही गवाही आपने नहीं दी तो ये सारी चीजें गलत है हां ऐसा कर सकता है जैसे लिखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात अगर अमल करना छोड़ दिया तो वो बात पूछ सकता है कि जो मैं काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म छोड़ा हूं वो वाजिब है या मुस्त था ऐसा पूछ सकता लेकिन करने के लिए नहीं पूछ सकता समझ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हदीस आ जाए तो उसके लिए हीले बहाने ढूंढना हमारे मुफ्ती साहब भी ऐसा बोलते हैं क्या हमारे इमाम साहब का फतवा ऐसे ही है क्या जैसे हदीस में आया है तो गोया आप हदीस को बहुत नीचा करके बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है एक और चीज जिसके बारे में वो कहते हैं तीसरी चीज दो बातें तो हो गई तो तीसरी चीज के बारे में कहा कि मुनकरी ने हदीथ, जो हदीस का इनकार करते हैं वो कैसे तरदीद करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीत पर अमल करने से जान छुड़ाने के लिए ये लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीतों का इनकार करते हैं क्या बोलते हैं ये बात हदीत में है लेकिन कुरान में नहीं है क्या बोलते हैं हदीत में है लेकिन कहाँ नहीं है कुरान में नहीं है जबकि अल्लाह तबारक कुरान में पूरी तरह से कह दिया है وما وما آتاكم الرسول فخذوه وَمَا نهاكم عنه فانتهوا. अल्लाह के नबी सल्लाह ने जो रसूल तुम्हें जो देव उसे क्या करो ले लो और जिससे मना करे उससे क्या करो रुक जाओ पूरी तरह रुक जाओ जो तुम्हें रसूल देव उसे ले लो और जिससे रोके उससे बाज आ जाओ तो अल्लाह के वसल्लम ने एक हदीस भी फरमाया है कि एक बड़ी हदीस से अल्लाह के नबी वसल्लम ने ऐसे लोगों के ताल्लुक से फरमाया कि तुम में एक ऐसा शख्स न देखूं ऐसा जमाना ना आए कि मैं ऐसे शख्स को देखूं तकबुर के साथ तकिया लगाए बैठा हुआ और तकिया लगा के अहंकार के साथ बड़े फख्र के साथ तकिया लगाए बैठा है उसके पास मेरी कोई हदीत एक जाके बोले भाई अल्लाह के नबी की हदीत है दाढ़ी रखना कोई भी मामला है जाके तो वो बड़ी ढटाई के साथ बड़े तकबर के साथ ये कह दे कि मैं नहीं जानता हदीस में क्या है मुझे नहीं मालूम मैं तो सिर्फ अल्लाह की किताब मेरे पास है मैं उसके मुताबिक चलूंगा वो क्या बोलता है कुरान के मुताबिक ये है। हदीस का लोग क्या करते हैं इनकार करते हैं कुरान है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा जमाना आएगा ऐसे लोग आएंगे जो सिर्फ कुरान पर ईमान लाने की बात करेंगे तो ऐसे जाहिलों को मालूम होना चाहिए कि हर वो बात जो रसूलुल्लाह वसल्लम की तरफ से आए वो कुरान में ऑलरेडी है कुरान में वो सारी बातें हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में यही बात बताई है वत क्या बोले वत कुरान ही ने आपकी मुकम्मल पैरवी का तो हम लोग पढ़ रहे थे अल्लाह जजाय खैर दे मोहम्मद रसूल की शहादत गवाही देने का क्या मतलब है उसकी क्या तकादे हैं तो शेख इबिनतमीन रहम्ह ने शाहरबाइन में कुछ बातें बयान की उसका खुलासा हम पढ़ रहे थे तो कई बातें हमारे साथ थीं पहली बात तो ये हुई कि अल्लाह के नबी नबीसम ने जिन बातों के करने का हुक्म दिया और जिन बातों से रोका आप उसे सच माने सच मान के उसके मुताबिक चले दूसरी बात यह हुई इतबा के लिहाज से सुने दूसरी बात यह हुई कि अल्लाह के नबी नबीसलम का कोई हुक्म आ जाता है तो आप ये ना पूछें कि ये वाजिब है या मुस्तहब है नहीं या हमारे इमाम साहब का खौल भी ऐसे ही है या इमाम साहब का खौल नहीं है या हमारे मुफ्ती साहब भी ऐसा फतवा देते हैं या नहीं देते हैं। मतलब क्या हुआ अगर आप अल्लाह के नबी के बात को अपने इमाम की मुफ्ती के बाद का मुआज़ने के तौर पर पेश कर रहे हैं तो अल्लाह के नबी वसल्लम की रिसालत पर आपने सच्ची गवाही कहाँ दी इसी तरह तीसरी बात हमारे साथ थी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम हदीस तो है लेकिन क़ुरान में नहीं है हदीस में है लेकिन कुरान में नहीं है जब तक कुरान में ना आए मैं मानूंगा नहीं तो अल्लाह के नबीसम फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि पेट भरे लोग आएंगे टेक, टेक लगाए बैठे होंगे मसनदों पर कहेंगे कि बात तो सही है लेकिन कुरान में नहीं है तो ऐसे लोगों को बताना चाहिए अल्लाह ने कुरान मजीद में जो बात भी कही वो नबी की बात है वह तबाऊ नबी की इत्तिबा करो तो कुरान ही ने आप की मुकम्मल पैरवी का मुकलफ ठहराया है अल्लान ने कह दिया कि नबी की क्या करो कितनी बातें हुई तीन बातें हो गई चौथी बात मैं पूछूंगा इंशाला इंशाला मैं पूछूंगा इसे आप याद रखें इसका फायदा है इसका फायदा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत के ताल्लुक से यह भी जरूरी है कि आपके फरमान के मुकाबले में किसी की बात को वैल्यू ना दें Allah के नबीसलम की जो बात है उस बात के मुकाबले में किसी की बात को क्या नहीं करें वैल्यू हरगिज न दें हरगज न दें वो कितना ही बड़ा इमाम क्यों ना हो कितना ही बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो अल्लाह के नबी की बात आ गई खलास अल्लाह के नबी की बात यही सबसे अव्वल है उसी की बात को हम मानेंगे उस इमाम का कितना ही मर्तबा क्यों ना हो तो इसलिए कि कितना बड़ा इमाम दुनिया का हो वो अल्लाह के नबी के हुक्म का पाबंद है अल्लाह के नबी नबीसम के हुक्म के मुकाबले में किसी की बात हम क्या नहीं करेंगे नहीं मानेंगे आज ऐसे ना होता है हमारा फिक्र अलग हमारे इमाम साहब अलग हम इसे नहीं मानेंगे हम बोलते हैं कि किसी मस्जिद में फजर की नमाज हो रही है तो आप जमात में शामिल हो जाएंगे अलग से सुन्नत नहीं पढ़ेंगे जबकि जमात चल रही है कितने लोग अमल करते हैं वह इससे ही जाएंगे पीछे खड़ के सुन्नत पढ़ेंगे सुन्नत पढ़ के आके ज्वाइन होंगे उससे पहले नहीं आएंगे ठीक है सुन्नत का मुकाम है अल्लाह के नबी ने फरमाया है अल्फज रेखे मिन और मिनत दुनिया व माफिया दुनिया और दुनिया की सारी चीजों सबसे बढ़कर फजर की दो रकात सुन्नते हैं लेकिन जब आप उठ नहीं सके नमाज हो रही है तो आप नमाज में शामिल हो जाए उसके बाद आप सुनो नहीं नहीं हमारे इमाम साहब का ऐसा छौल है मानने को तैयार नहीं तो आपने हदीस का हदीस की कदर नहीं की इसी तरह एक चीज बताते हैं <सकतितितितिति ताँगा़ासिए> या यूहदीना रसूल अल्लाह ताला की तात मुस्तकिल है अल्लाह के नबी वसल्लम की इतात मुस्तकिल है वाला अलग इतात है तो अल्लाह तो जब कभी आदमी के सामने बात कही जाए तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुकाबले में किसी इमाम का कौल आप पेश न करें ठीक है बहुत सारे ऐसे हैं मौरब की दोन मौरब की अज़ा के बाद भी दौरक़ात सुन्नत पढ़ते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं जनादे की नमाज है जनादे की नमाज़ कई मस्जिदों में हम लोग पढ़ाते हैं सूर फातिहा पढ़ते हैं उसके बाद सूर अखिलास पढ़ते हैं दरुज शरीफ पढ़ते हैं जगह इतनी तेज़ी से जनादे की नमाज होती है कि सबको अचंबा हो कि भाई हमारी मैयत किसी अच्छी जगह पढ़ा लेते तो अच्छा था तो इस सिलसिले में इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु की वईद है कि कहते हैं अब्दला बिन अब्बास रदी अल्लाह ने एक मरतबा लोगों के सामने बयान किया कि अल्लाह के नबी की ऐसी हदीफ है जो लोग बैठे थे उन्होंने नहीं ना हजरत अबू बकर ऐसा बोले ना एक आदमी बोले में नहीं हजरत उम्मर रजी अल्लाह ऐसा बोले ना तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तुना सुनकर क्या बोला रसूल व तकुल नक अबू बकर व उमर क्या बोले उन्होंने अब्बास क्या बोलते हैं अगर आप लोग ऐसी ही चलते रहे ऐसी ही बात करते रहे कि मैं कहूँ अल्लाह के नबी ने कहा तुम कहते रहे कि अबू बकर और उमर ने कहा आसमान से पत्थरों की बारिश होगी क्या होगी आसमान से पत्थरों की बारिश होगी जब अबू बकर और उमर जो आश्रे मुबशरा में से हैं जिनके लिए दुनिया में जीते जीत जन्नत की बशारत है आ जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे खलील कौन है? लवि तखत तो खलील अल्ला तखत तो अबा बकरा। खलीला। बकर खलीला अबू बकर को मैं खलील बनाता अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता तो कौन हो सकता अबू बकर ने? उमर बिन खताब लेकिन ला नबी आबादी मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो इन दोनों का जब ये मुकाम है उन दोनों के मुकाम पर ऐसा कहा जा रहा है कि अल्लाह के रसूल के बाद के मुखालिफ में इन दोनों को भी रेफरेंस मत दो तो ये पीर फकीर मुफ्ती ये गली के लोगों को लोग उनकी बातें लेकर अहादीस को ठुकरा देते हैं ये इस ये कहाँ की बात होगी तो इसीलिए कहते हैं इमाम जो लोग इमामों की बातें करते हैं उनकी बातों को अदीत से मुकदम रखते हैं तो ये इमाम का वैल्यू कहाँ है जो चाहे वो अपने महल्ले का इमाम ही क्यों ना हो अपने महल्ले का मुफ्ती ही क्यों ना हो और अबु बकर और उमर अल्लाह अल्लानुमा की शान कैसी जब उनकी बात को अल्लाह के नबी के बात के मुखालफत में खिलाफ में पेश नहीं किया जा सकता तो किसी की बात को पेश नहीं किया जा सकता नंबर पांच तो मालूम क्या हुआ हदीस के मुकाबले में किसी की बात नहीं चलेगी बशर्ते कि हदीस क्या होना चाहिए सही होना चाहिए हदीस सही होनी चाहिए नंबर पाँच रसूलम अल्लाह के रसूल हैं इस बात के इस बात का एक लाज़िमी तकादा इस ये गवाही जब आप देते हैं मोहम्मद रसूल शद मोहम्मद रसूल्ला इस बात का लाज़िमी तकादा ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लम की बातों में ना घटाया जाए ना बढ़ाया जाए अल्लाह के नबी सल्लम की जो बातें हैं चाहे वो अकीदे में हो चाहे अमल में हो जितना अल्लाह के नबी सल्लम ने बताया उतना उसमें घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता तो चाहे अमल में अगर बढ़ाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग अल्लाह के नबीसम ने जितना अमल बताया है उस अमल में अगर आप कुछ बढ़ाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बिदात क्लास बिदात बोलते हैं तो जबकि अल्लाह के नबी सम ने क्या कहा बिदा बिदातिन वाला व वह वा कुल्लुन फिनार और हम अहले अहदीफ ऐसे मनहज पर फाइज हैं हमारा ऐसा मनहज है कि हम अल्लाह के नबी नबीसलम की बात चाहे अकीदे में हो अमल में हो कौल में हो उससे हम हर जगह उसे हम इम्प्लीमेंट लागू करते हैं उस हम हरगज किसी बिदाती को ना मानते हैं ना बिदात को मानते हैं हम तस्लीम हरगज नहीं करते ठीक है बिदाती अगर कोई बिदात करता है तो उसने अल्लाह के नबी वसल्लम की गवाही को यानी इस गवाही को के मोहम्मद रसूल अल्लाह शहादत को पामाल कर दिया इसलिए कि उसने शरीयत में बिदात को दाखिल कर दी और अल्लाह के नबी सल्लम के साथ हुसन अदब का जो तकादा है उस तकादे को उसने पूरा नहीं किया ये सारी बातें हैं जो शेख अबिन रहा लिखते हैं छठी बात जिसमें ये कहते हैं जिस तरह जरूरी है कि आपके दीन में किसी नई चीज़ को दाखिल या शामिल ना किया जाए शामिल करते हैं तो बिदत हो जाती है इसी तरह ये भी जरूरी है कि आपके हक में किसी नई चीज को शामिल न किया जाए अल्लाह के नबी सल्लम कैसे अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी को लेकर क्या शामिल करेंगे आप क्या शामिल कर अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी को लेकर दीन में शामिल नहीं करते हैं दीन में तो बिजात अल्लाह के नबी सल्लम की शख्सियत में क्या शामिल करते हैं मिलाद क्या शोब क्या शामिल करते हैं मिलाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं रसूल स पैदाइश के दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ मजलिस दो चीज़ें आप मेरे साथ रहें मुझे मालूम है आप लोग मेरे साथ साथ चलें इधर उधर भटके ना तो अल्लाह के नबी के दीन में आप कुछ गलत मलत करते हैं तो बिदात है इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर्सनल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है उस शख्सियत को लेकर किसी चीज का इजाफा आप करते हैं तो वो भी बिदा है चाहे वो मिलाद के नाम से हो कोई भी नाम हो उसके बाद नंबर सात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जब आप गवाही देते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उस शहादत का लाजमी तकादा ये भी है कि अकीदा रखा जाए कि आप अलग हैं रब की रबूबियत अलग है दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते जो लेना हो ले लेंगे मदीने वाले से तो देता कौन है अल्लाह के नबी देते हैं मदीने वाले देते नहीं तो अगर यह इसीलिए कहते हैं कि आप इस बात का अकीदा रखें कि आपका रुबूबियत में कोई हिस्सा नहीं है रब अलग है उसकी कुदरत अलग है उसकी उसके अमान अल्लाह तबारक रब है उसकी बात अलग है, अल्लाह के नबी वसल्लम का इसमें से कोई हिस्सा नहीं है तो ना तो आपको पुकारा जाएगा जैसे आप कहते हैं या रब किसको पुकारते हैं हम यार रब को पुकारते हैं ना तो आपसे इसत किया जाएगा जैसे या अल्लाह। या रसूल अल्लाह नहीं बोल सकते हैं जब या रसूल अल्लाह नहीं बोल सकते हैं तो या अली और भी नहीं बोल सकते हैं, हा? या गौत सुबहान अल्लाह सुबहान वाह ता अल्लाह ताला इन चीजों से पाक है ये दुहाई सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है अल्लाह के लिए जो आज महलों में लोग उठते बैठते बोलते कौन समझाना इनको हम ही लोग समझाना ना हम ही लोग समझाना लोग लोगों से बात करते हैं भाई या अल्लाह सिर्फ हम अल्लाह ही को बोल सकते हैं इसके अलावा किसी को नहीं बोल सकते क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं लेकिन अपनी जिंदगी में आप कुछ चीजें देने पर कदिर हैं देता तो अल्लाह ताला है जो बड़ा दयालु है देने वाला अल्लाह ताला है दाता कौन है गंजबक्ष नहीं है जिसे बिदती बोलते दाता कौन है दाता दरबार वहां से देते गए दोनों हम लोग यकीदा रखते हैं कि देने वाला कौन है अल्लाह लेने वाला कौन है अल्लाह लेकिन अल्लाह के नबी वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें देने पर कादिर थे कुछ चीज़ें देने पर कादिर थे अल्लाह के नबी वसल्लम से मांगा जा सकता था अल्लाह के नबी वसल्लम ने मुख्तलिफ लोगों को ताइफ की ताइफ के बाद अल्लाह के नबी ने कई सरदारों को कई हमने रहीकमूम में पढ़ा है के सोना दिया ऊंट दिए बकरियां दी रे बकरियों के रेवड़ रेवड़ दिए हां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए यह आयत जो कहते हैं उल्ला अमलिकु लिनफसी नफअ वला धरना इल्ला माशा अल्लाह क्या इसमें कह दीजिए फरमा दीजिए मैं अपने नफ्स के लिए किसी चीज का मालिक नहीं हूं मगर जो अल्लाह ताला चाहे मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लम को यह कहने का हुक्म दे दिया क्या बोलते हैं आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारे लिए किसी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं और कह दीजिए अल्लाह ताला से कोई पनाह नहीं दे सकता ना मैं उसके अलावा कोई जाए पनाह जाए पनाह पाता हूं तो इसमें सारी बात मालूम हुई आप और मैं सिर्फ या अल्लाह बोल सकते हैं या रसूल अल्लाह नहीं बोल सकते तो इसलिए नहीं बोल सकते अगर ऐसा बोलेंगे तो इसका क्या भी नफा नहीं होगा अगर कोई या अल्लाह छोड़कर कोई और बोलेगा जिसका कोई उसे फायदा नहीं मिलेगा और दूसरा यह होगा कि उसने शिरक किया या रसूल अल्लाह इस तरह बोलने वाला क्या हो जाएगा तो आप जितने भी खवालियां सुनेंगे वो सारे के सारे शिरक से ऐसे ही भरे पड़े रहते हैं मैंने कहता कि आप सुने ऐसे लोग बनाते हैं आ, ये लोग सारे शिर में शिर की बहुत सारी बातें इसमें उसके बाद नंबर आठ एक और चीज इन्होंने बताया मोहम्मद रसूल की गवाही का एक लाजिमी तकादा यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीत का अहतराम किया जाए अल्लाह के नबी नबीम की अहादीत आपके सामने पढ़ते हैं तो आप इनका एहतराम करें यहराम इस कदर जरूरी है कि आपकी आवाज से ऊंची आवाज में बात करना ममनू करार दिया गया अल्लाह के नबी सल्लम की जो वॉइस है आवाज है उससे बढ़कर आवाज में आप बात नहीं कर सकते तो जब अल्लाह के नबी की आवाज से बढ़कर हम आवाज में बात नहीं कर सकते तो अल्लाह के नबी की हदीत पर इमाम और मुफ्ती की बात को कैसे तरजीह दे सकते हैं एक अच्छा वाक़ा इन्होंने बयान किया देखी उमर बिन खत्ताब सना अल्लाह के नबी वसल्लम के जमाने के बाद अल्लाह के नबी वसल्लम का इंतकाल हो चुका है अल्लाह के नबी वसल्लम के खबर के पास दो आदमी जोर से बातें कर रहे थे तो, तो हजरत उमर रदी अल्लाह ने देखा देखकर बुलाया आओ जीत रो दे कहां से सुध में बोले हमें ताइफ से सो अच्छा ताइफ से आए बोलो छोड़वा लिया अगर आप लोग लोकल होते तो मैं तुम्हारी ढटाई कर देता तुम्हें क्या करता अच्छा पीट डालता तो हजरत उमर रजी अल्लाह नहीं चाहते थे कि अल्लाह के नबी के खबर के पास भी बुलंद आवाज से क्या हो बात की जाए सुबह अल्लाह क्या एहतराम होगा तो इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ने क्या कहा लउलाइफ अगर तुम ताइफ वाले नहीं होते लोकल वाले होते तो हम क्या करते आपको उस लिहाज से आपको ट्रीट करते हैं। तो ऐसा होता है बाहर से जो लोग आते हैं वो उनको मालूम नहीं रहता है यहाँ के लोकल की से वो लोग नावाकिफ रहते हैं तो कुछ उनसे ये इसलिए उनको एक्सक्यूज करना पड़ता है तो इसीलिए कहते हैं आप के أحاديث یہ لازمی تقاضى الله تعالى نے قرآن مجيد كي آية الله تعالى فرما دیا ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم <गया> क्या कह दिया इसमें ऐमान वालो अपनी आवाजें ऐमान वालो अपनी आवाजें नबी की आवाज से ऊंचा न करो ऊंची ना करो और ना और ना आपसे ऊंची आवाज में बात करो अल्लाह के नबीम से ऊंची आवाज में बात ना करो जिस तरह की तुम आपस में करते हो ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल अकारत हो जाए अकार चले जाए और तुम ही एहसास तक ना हो एहसास तक ना हो तो इस सिलसिले में एक शान वाक़ा इन्होंने बयान किया है जो आज के दर्श का हमारा टॉपिक भी है कि अल्लाह के नबी वसल्लम के एहतराम में एक वाक्य इन्होंने सहाबी का वाक्य लिखा है साबितबिन कैस रबी अल्लाह जो अल्लाह के वसल्लम के खतीब थे क्या थे खतीब थे और जाहिर खतीब की आवाज बहुत बुलंद होती है खुतबा देने वाले वह हमारी आवाज भी बुलंद थी जाते जाते जमाने के साथ हमारी आवाज़ क्या हो गई कम हो गई तो होता है आ? तो जो सूरज तुलू होता है उस सूरज को डूबना भी होता है चांद भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है बारीक होता जाता है तो ठीक है तो कहते हैं साबित साबितब ने कैसरद्ला जिन्हें अल्लाह के नबी नबीसलम के खतीब होने का शर्फ हासिल है जिनकी आवाज बहुत बुलंद थी जब यह आयत आई या नबी तो इस आयत के नाजिल होने के बाद वो रोते हुए अपने घर में बैठ गए क्या हुआ रोते हुए घर में बैठ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में लोगों को चेक करते थे कि भाई कौन कौन आए बहुत अहम चीज है फजर की नमाज में आप भी अपने मैं तो कहता हूं में कौन कितना बाकमाल और बहादुर है इसको चेक करना है तो फजर की नमाज में चेक करना रात के 11 तक सुबह शेरांच इसमें कौन कितना शेर है कहा मालूम होता फजर की नमाज मालूम होता जितनी लंबी लंबी बातें करते नहीं ये फजर की नमाज में गायब हो जाते हैं तो इनका क्या क्या इनकी जस्तजु है क्या शौक है क्या जज्बा है वो कहां दिखता फजर की फजर की नमाज से पहले बारह एक तक हमें सब भी मुतिया बहुत अल्लाह वाले मैसेजा चलते रहेंगे एक दो बजे तक भी चलते रहेंगे हम कितने अल्लाह वाले हैं का मालूम होता फजर की नमाज में इसीलिए अल्लाह के नबी भी फजर की नमाज में चेक करते थे तो सहाबा भी फजर की नमाज में चेक करते थे लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा तो साबित साबितबन खैस र्ला तो उनके बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि अल्लाह के नबी जब से वायत नाजिल हुई है वो अपने घर में मासूर हो गए मुसलसल रो रहे हैं तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा कि नहीं भाई उनको बुला के लाओ साहबा गए उनको बुला के लाए तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने देखा कि रो रहे हैं तो पूछा मा युब की का या साबित साबित क्यों रोते हो अल्लाह के नबी ने पूछा नबी ने जब पूछा तो बोलना पड़ेगा तो अल्लाह के नबी ससर ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मेरी आवाज़ ऊंची है ज़रा बहुत तो मुझे डर है कि कहीं मेरे आमाल अकारत ना हो जाए और ये आयत मेरी ही बारे में कहीं नाजिल ना हुई हो तो मेरी सारी नेकियां बर्बाद हो जा सकती हैं मुझे इलम भी ना हो जैसे इस आयत में बोला गया तो अल्लाह के नबी वसलम नेताबन ख़ै रजी अल्लाह ताल को तसली दी और कहा तरबा सुनो क्या बोलते हैं अमा तरबा क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो अंत हमीदन तुम एक काबिल तारीफ जिंदगी जियो क्या जियो अच्छी जिंदगी सालहाना जिंदगी ऐसा किरदार तुम्हारा वतुक्तल शहीदन और मरोगे भी तो कैसे शहीद होकर मरोगे माशाल्लाह जियोगी तो जिंदगी भर नेक और सालेह बनकर मरोगे तो शहीद बनकर वतद खुल जन्ना और कैसे और तुम जन्नत में भी दाखिल हो गए क्या बशारत मिली एक तो जिंदगी भी अच्छी होगी मौत भी शहादत की मिल रही है और क्या मिल रहा है जन्नत भी अल्लाह के नबी की ज़वानी, जन्नत की बशारत भी मिल रही है तो साबित सबितबन ख़ैस रजाल्ला सारी जिंदगी शहादतमंद जिंदगी रही और साबित साबितबन कैस रजी अल्लाह मुसलमा बिन कद्दाब जो झूठा नबी था उसकी फौजों से लड़ते हुए शहीद हुए अल्लाह के नबी ने जैसे शहादत की बात कही थी वो शहादत भी मिली और नबी नबीम के फरमान के मुताबिक कल क़ियामत के दिन उनको क्या मिलेगा जन्नत भी मिलेगी तो मालूम यह होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह खुशखबरी है तो इसीलिए यहां इन्होंने एक बात लिखी है जो बात मैंने आपको कही इसको जरा गौर से सुने अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले हदीस इसी मनहज पर शेख अबसिमिन ने लिखा है एक जगह और भी एक बात है। तो यहाँ इन्होंने इस बात को खुलासा पेश किया है कि हम लोग इसी मनहज पर फायस अभी जरा लो मनहज मनहज बोलो तो क्या मालूम एक बार उनको बिठा के पूछो मनहज बोलो तो क्या नहीं कितने लोग हैं जिनको जिन्होंने मनहज पढ़ा ही नहीं उनको मनहज के बारे में कुछ मालूम भी नहीं लेकिन मनहज क्या है अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल इन बहुत सारी सुबह में मैंने एक छः जिल्दों में मैंने एक किताब देखी मौसुआत अकीदे की डिक्शनरी कितने वैल्यूम है छ जल्दा ही छह वैल्यूम एक एक वैल्यूम आपको 600 सौ पेज का छ सौ पेज का तो आकीदे का मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया तो कई उसमें ये करें हैं ठीक है इंशाल्लाह कभी अल्लाह तौफीक तो दिया तो पढ़ेंगे लेकिन बहुत डीप रहेगा लेकिन पढ़ेंगे तो फायदा होगा जिंदगी भर के लिए लादिन्ना हदीस इस इंतहाई मुबारक मनहज पर फायज हैं हमारे दिलों में अल्लाह के नबी वसल्लम के हदीत का एहतराम है और हमारे अकायद और अमाल में अल्लाह के नबी वसल्लम की हदीसों की इतबा और बजा लाने का पूरा पूरा रंग मौजूद है फिर इस इतबा पर हम लोग अकीदा भी रखते हैं अमल भी करते हैं इसी की तरफ लोगों को बुलाते भी हैं हमारा यही असूल है इसी अकीदे की तरफ हम लोगों को बुलाते हैं और हम इस पर ऐसे चलते हैं कि ना हम बिदात से समझौता करते हैं ना बिदाती से समझौता करते हैं इनसे हमारा नहीं बनेगा तो यही मनहज है जिस पर हम अमल करेंगे तो कल क़ियामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मुबारक हौज हौद कौसर पर हमें पानी भी मिलेगा इसलिए कि बिदातियों को हौज कौसर से धुतकार दिया जाएगा और साफ फरमा देंगे सुह लिमन गैयाबा दी दूर जाओ दूर जाओ तुमने हमारे दीन को बदल दिया था मेरे बाद। तुम्हें मेरे हाथ से कौसर के पानी के पीने का कोई हक नहीं है बस माशाल्लाह यहां तक हम बस करते हैं उसके बाद कल इसी पर बात है कि अरदानन्ना मोहम्मद रसूल इसके कुछ और भी मजीद तकावे हैं वो तकावे क्या हैं उसको भी हम सुनेंगे कल के दिन और उसके बाद इस्लाम का दूसरा रुकन इकामत सलात इसलिए कि हदीत में आया है उन्होंने इस्लाम के बारे में पूछा ईमान के बारे में पूछा तो इसी हिसाब से इन्होंने शराह भी की तो शहादत अल्लाह की अल्लाह की वहदानियत की गवाही और नबी की रिसालत की गवाही हम पढ़ रहे हैं उसके बाद जाएंगे पहले नमाज पर इकामत सलात क्या होता है इन दोनों चीज़ें इन हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला हम सबको सही आकैदा लोगों को समझाने अमल करने की तौफीक दे आमिद असलकमल वर्काता